जी बच्चों, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। 864 किससे डिवाइड करना है? 4 से। सिंपल सा है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए। अब आप ये क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करोगे, ठीक है? यहाँ मैं राइट कर रही हूँ, दिस इज़ योर होमवर्क। पार्ट नंबर 4 भी इजी सा है बेटा, यहाँ पे भी पार्ट नंबर 4 आपने खुद करना है, ठीक है? दिस इज़ आल्सो योर होमवर्क। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9 को हमने डिवाइड करना है 619 पे। चलें, ये 9 है, सिंगल चेक करें, ये 6 है। 9 बड़ा है, 6 छोटा है। तो मैंने आपसे कहा था कि बाहर क्या होना चाहिए, छोटा, और अंदर बड़ा हो या फिर इक्वल हो, बराबर हो, तो डिवाइड हो जाता है, नहीं तो हम डबल नंबर लेंगे। जी 9 का टेबल अब हम 6 पे नहीं पढ़ेंगे, कहाँ तक पढ़ेंगे? 61 तक रीड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जी 9 वन ज़र 9, 9 टू ज़र 18, 9 थ्री ज़र 27, 9 फोर ज़र 36, 9 फाइव ज़र 45, 9 सिक्स ज़र 54, 9 सेवन ज़र 63। अब देखें 9 सेवन ज़र 63 हो गया, तो हम कितने ज़ार लिखेंगे? 63 से पहले क्या कम आ रहा है? 54 वाला, यानी 9 सिक्स ज़ा 55, 6 के नीचे और 4 1 के नीचे, माइनस, और यहाँ लगेगी लाइन ऐसे लंबी सी, ठीक है जी? अब हम 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेंगे, ये बन गया 11 और ये बन गया 5। यहाँ छोटा सा 5 राइट करेंगे, 11 माइनस 4 करें, वेरी गुड, 7 आ गया, और 5 में से 5 गए 0। अब हम क्या राइट करेंगे? 9 को हम नीचे उतारेंगे 7 के साथ, और 9 का टेबल पढ़ेंगे 79 तक, या हम 79 आना चाहिए या 79 से कम आना चाहिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे राइट करके भी दिखा देती हूँ ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। 9 का टेबल राइट करते हैं। 9 टू ज़ा 18, 9 थ्री ज़ा 27, 9 फोर ज़ा 36, 9 फाइव ज़ा 45, 9 सिक्स ज़ा 54, 9 सेवन ज़ा 63, 9 एट ज़ा 72, 9 ज़ा 81, 9 टेन ज़ा 90। ये मैंने आपके सामने 9 का टेबल राइट कर दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो। अब 79 देखें, इस पूरे टेबल में कहीं नहीं आता, तो हम कौन सा वाला यूज़ करेंगे? 79 से कम, कम कौन सा है? 72, क्योंकि 81 तो 79 से ग्रेटर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 9 कितने ज़ार जा रहा है? 8 ज़ा 72, 8 हम यहाँ राइट करेंगे और 72 7 एंड 2, माइनस का साइन, और ये ऐसे लाइन ड्रॉ, 9 में से 2 माइनस कीजिए, 7 7 माइनस 7 इज़ 0। अब देखें 9 बड़ा है और 7 छोटा है, तो अब आगे ये मज़ीद डिवाइड नहीं होगा, ठीक है बच्चों? क्योंकि 9 के टेबल और ऊपर भी हमारे पास कुछ नहीं है, जब तक कोई नंबर हो तब तक आप डिवाइड करेंगे, लेकिन अब हमारे पास नंबर फिनिश हो गए हैं, ठीक है जी? सो दिस इज़ योर आंसर। डिवाइज़र है जी बच्चों हमारे पास 5, डिविडेंड है हमारे पास 619, क्वेश्चन था हमारे पास क्या आया 68, और रिमाइंडर अब क्या आ गया 07। 0 राइट करें या ना करें आपकी मर्जी है। बच्चों मैंने जैसे अभी यहाँ टेबल लिखा है, इसी तरह आपको विदाउट टेबल, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है? फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके एक टेबल्स आ जाने चाहिए ताकि आप डॉजिंग के साथ आपको पता हो और आप फ़ौरन से राइट कर सको, ठीक है? इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ टेबल्स आप बहुत अच्छे से याद कर लें। जी अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 6 देखें, सिंगल डिजिट चेक कर लेते हैं। यहाँ 8 है और यहाँ 7, 8 ग्रेटर आ गया, 7 स्मॉलर आ गया। अब हम सिंगल डिजिट नहीं ले सकते, हमें अब डबल लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बड़ा है और ये छोटा है। अब हम पूरा 77 को चेक करेंगे। 8 के टेबल में 77 चेक करें, आता है? नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे, 8 के टेबल में जो 77 से छोटा नंबर आ रहा होगा हम वो लेंगे। जी तो बताइए कि 8 के टेबल में कहाँ आता है, या उससे स्मॉलर नंबर मुझे कोई बताए। 77 तो नहीं आता, अब उससे स्मॉलर नंबर हम क्या लेंगे,
वेरी गुड, 8 9 आ लेंगे, वो क्या होता है 72। हम यहाँ राइट करेंगे 72। ठीक है बच्चों, क्या राइट करेंगे 72। जी यहाँ लगाते हैं हम एक लाइन, यहाँ करेंगे माइनस का साइन, 7 - 2 5 और 7 - 7 0। अब हम नेक्स्ट क्या राइट करेंगे 7। अब 8 के टेबल में 57 चेक करें, आता है नहीं आता, तो अब हमने कौन सा नंबर लेना है 57 से स्मॉलर, क्योंकि 57 तो नहीं आता, अब हम उससे स्मॉलर नंबर लेंगे। स्मॉलर नंबर रीड करें 8 का टेबल, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56। तो 8 7s are 56, तो हमारे पास 57 है, तो 8 9s are 72 हो जाएगा, तो हम सॉरी 8 8s are 64 हमारे पास ग्रेटर हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 8 7s are 56। ठीक है, 8 7s are 56, क्योंकि 8 8s are 64 हो जाता है, तो 64 57 से ग्रेटर हो जाएगा। माइनस का साइन लगाइए, यहाँ हम लाइन लगाते हैं, 7 - 6 is 1, 5 - 5 is 0। ठीक है, अब यहाँ 8 बड़ा है और रिमेनिंग हमारे पास रिमाइंडर 1 बच गया है, तो ये आगे डिवाइड नहीं होगा और ना ही यहाँ पे कोई नंबर रह गया है। ठीक है कि हम उसे एरो लगा के नीचे उतारें। तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 6। आंसर राइट कर लें, डिवाइजर हमारे पास क्या आ रहा है 8, डिविडेंड क्या है 777, कोशेंट 97 एंड रिमाइंडर इज 01। क्लियर बच्चों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब आपके 2 क्वेश्चंस होमवर्क में करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। नोट डाउन योर डायरी बेटा, डायरी है जो आपने होमवर्क करना है, एक्सरसाइज 6.3 पेज नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। मैंने आपको मार्क भी करवा दिया बुक पे भी, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपने होमवर्क करना है और टेबल आपने 7 और 8 का याद करना है। ठीक है, ताकि आपके टेबल बहुत अच्छे से होते रहें। ठीक है बच्चों, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करें ताकि आगे मज़ीद आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते रहें। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।